100% वजन भी काफ़ी अच्छा बढ़ाएगी खाना खा के, और उसके साथ अगर आपकी मुर्गी अंडों पर है तो आपकी मुर्गियां अंडा भी ज़्यादा देगी। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ईबुक और पोल्ट्री हार्डबुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ईबुक और पोल्ट्री हार्डबुक दोनों में भी सेम इन्फॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ईबुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्डबुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो, और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 9172611443 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो पोल्ट्री वाला यूट्यूब चैनल। आप सभी का पोल्ट्री वाला यूट्यूब चैनल पर पोल्ट्री के एक फ्रेश और नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्या वाकई में फ्री रेंज में मुर्गियां छोड़ने से एक पोल्ट्री फार्मर को फ़ायदा होता है। जैसे कि आप हमारी यहाँ पर फ्री रेंज सिस्टम में सोनाली की पैरेंट मुर्गियां देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर मछली के जाली की फेंसिंग हमने लगाई हुई है तो यहाँ पर हमारी जो मुर्गियाँ हैं बाहर में फ्री रेंज सिस्टम में पूरे मस्ती के साथ झूम रही है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, पोल्ट्री शेड के भीतर में भी हमारी मुर्गियाँ हैं, लेकिन 50 से लेकर 60% जो हमारी मुर्गियाँ हैं वो अभी फ्री रेंज सिस्टम में बाहर आ चुकी हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि इस तरीके से जब हम हमारी मुर्गियों को फ्री रेंज सिस्टम का एरिया बनाकर बाहर में छोड़ते हैं तो क्या वाकई में हमें फ़ायदा होता है, या फिर सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो बनाने के मकसद सिर्फ कुछ भी बता दो फ्री रेंज सिस्टम में मुर्गियों को बाहर छोड़ने से ऐसा फ़ायदा होता है वैसा फ़ायदा होता है। तो आज प्रैक्टिकल बातें करेंगे कि वाकई फ़ायदा होता है या फिर नहीं फ़ायदा होता है। तो साफ सीधे शब्दों में मैं अगर आपको बताऊं तो 101% दोस्तों फ्री रेंज सिस्टम में मुर्गियों को बाहर छोड़ने से हमें फ़ायदा होता है, ठीक है। सबसे पहला फ़ायदा अगर मैं आपको बताऊँ तो जिस तरीके से ये दोस्तों मुर्गियाँ बाहर में अभी फ्री रेंज सिस्टम में है, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जिसकी बाहर का जो नज़र आपको दिखाई दे रहा होगा वहाँ पर हरियाली है, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर मुर्गियाँ यहाँ पर हरियाली नहीं है। तो जितना भी यहाँ पर हरी घास थी उन सभी के सभी हरी घास को मुर्गियों ने खा लिया है, फीडिंग कर लिया है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मुर्गियों को उसका नेचुरल इन्वायरमेंट मिलता है ना, तो मुर्गी एकदम ही फ्रेश और तनाव मुक्त रहती है, मतलब वो स्ट्रेस में नहीं आती। अगर आपकी मुर्गी स्ट्रेस में नहीं आएगी तो आपकी मुर्गी 100% वजन भी काफ़ी अच्छा बढ़ाएगी खाना खा के, और साथ ही साथ अगर आपकी मुर्गी अंडों पर है तो आपकी मुर्गियां अंडा भी ज़्यादा देगी। दूसरी बात, जैसे कि आप सभी को पता है यहाँ पर जैसे देख पा रहे होंगे भीतर में भी हमारी मुर्गियां है, ठीक है। तो अभी डोर मैंने लॉक कर दिया है मुर्गियों को बाहर छुड़ा करके, तो जिस तरीके से अभी ये मुर्गियाँ बाहर में आई हैं तो जो 24 घंटा पोल्ट्री फार्म पर रहने वाली मुर्गी होती है, अभी फ्री रेंज सिस्टम का 12 घंटा वो बाहर में रहती है, तो जो मुर्गी बीट करती है यानी कि जो संडास करती है तो उसकी जो भी गंदगी होती है वो बाहर के फ्री रेंज सिस्टम में होती है 12 घंटे, यानी कि आपके पोल्ट्री शेड के भीतर में आउट ऑफ 24 घंटे में से बाहर घंटा 12 घंटा ये मुर्गी बाहर रहने की वजह से गंदगी का जो भी रेशियो होता है वो 50% से डिक्रीज हो जाएगा। या दोस्तों, जो भी गंदगी मुर्गी यहाँ पर करती है उसको आपको साफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सूरज की जो भी धूप होती है वो उस बीट को मुर्गियों को सुखा देती है, जिसके वजह से मुर्गियों ने जिस भी जगह पर बीट करी हुई है वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन बनने के चांसेस ही नहीं होते, समझ पा रहे हो। ये एक तो फ़ायदा हो गया। दूसरी बात, मुर्गी जब कभी भी आपके लीटर पर बीट करती है, जैसे कि अगर ये पोल्ट्री फार्म के भीतर का आप यहाँ पर एरिया देख पा रहे होंगे, है ना, तो ये दोस्तों जैसे कि ये हो गया लीटर, ठीक है, पोल्ट्री शेड के भीतर वहाँ पर देख पा रहे होंगे, है ना। तो ये लीटर पे जब मुर्गियाँ बीट करती है तो वो लीटर गीला हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब मुर्गियाँ बाहर में रहती तो लीटर गीला होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और जब लीटर गीला होगा ही नहीं तो वहाँ पर गैसेस भी नहीं बनेगी, और आप सभी को पता है लीटर गीला होने की वजह से आपके पोल्ट्री शेड के भीतर में अगर गैसेस बनती है तो मुर्गियों को एसाइटिस जैसी बीमारियाँ होती हैं, मुर्गियों की आँखें फूल जाती है, मुर्गियों के आँखों पर सूजन आ जाती है, मतलब एक प्रकार से जो अमोनिया गैसेस वगैरह जो बनती है पोल्ट्री शेड के भीतर में वो मुर्गियों को आँखों को वगैरह इम्पैक्ट करती हैं। ये एक फ़ायदा हो गया। दूसरा फ़ायदा दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर हर एक मुर्गी देख पा रहे होंगे
एक मुर्गी से दूसरी मुर्गी काफ़ी दूरी यानी कि अंतराल पर है। एक मुर्गी से दूसरे मुर्गी का अंतर मान के चलो 2 से लेकर 3 फीट का है, लेकिन पोल्ट्री शेड के भीतर में जब कभी भी हम फार्मिंग करते हैं तो 1 स्क्वायर फीट में हम एक मुर्गी रखते हैं। तो इसका मतलब एक मुर्गी दूसरे मुर्गी से 1.5 फीट की दूरी पर भी नहीं होती, बिल्कुल लग के होती है। तो जब कभी भी मुर्गी आपकी स्ट्रेस में आती हैं तो ऐसे में मुर्गी क्या करती है, एक दूसरे को नोचना चालू कर देती है, जिसको हम कैनिबलिज्म का प्रॉब्लम भी बोलते हैं। तो कैनिबलिज्म का प्रॉब्लम भी आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा अगर आप फ्री रेंज सिस्टम में अपने मुर्गियों को छोड़ते हो तो। जी हाँ दोस्तों, शेड के भीतर में मुर्गियों को जगह ना होने की वजह से जब पहली मुर्गी दूसरी मुर्गियों के पीठ पर कैनिबलिज्म के प्रॉब्लम की वजह से नोचती है तो दूसरे मुर्गियों को भागने के लिए जगह नहीं होती। लेकिन जैसे कि आप यहाँ पर फ्री रेंज सिस्टम के एरिया में देख पा रहे होंगे, अगर एक मुर्गी दूसरी मुर्गी को नोचती भी है तो दूसरी मुर्गी एकदम से उस पार में जा सकती है, जिसके चलते कैनिबलिज्म का अगर आपके पोल्ट्री के भीतर में प्रॉब्लम हुआ भी, लेकिन उसके बावजूद भी इसके चलते फ्री रेंज सिस्टम के चलते एक मुर्गी दूसरे मुर्गी से दूर होने के चलते आपकी मुर्गी दूसरे मुर्गियों के फीडर्स निकाल नहीं पाएगी। कैनिबलिज्म के प्रॉब्लम की वजह से एक मुर्गी दूसरे मुर्गी को डैमेज कर नहीं पाएगी, ये फ़ायदा हो गया। उसके बाद जैसे कि अभी मैं और से आपको बता दूँ, मुर्गियों को नेचुरली मतलब एक उनको फीडिंग के सोर्स पर फीडिंग मिलने के लिए नेचर ने उनको पंजे दिए और पंजे के इस पर उनको नाखून होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैं फोकस करता एक बार, मुर्गियाँ क्या करती है अपने नाखून से इस ज़मीन को खुरेचती है ताकि उनसे उस ज़मीन से उनको कुछ खाने के लिए मिले। यहाँ पर पूरी की पूरी ज़मीन आप देख पा रहे होंगे ये मुर्गियों ने खुरेची हुई है। तो इसका मतलब बाहर के फ्री रेंज सिस्टम में जब अपनी मुर्गी अपने नाखून का इस्तेमाल करती है फीड मिलना चाहिए करके, तो नेचुरली उनके जो भी पैर होते हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि एक प्रकार से उनका यानी कि एक प्रकार से व्यायाम हो जाता है, उनको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। समझ पा रहे हो बातों को, उनके पैर स्ट्रांग हो जाते हैं। तो ये एक फ़ायदा हो गया दोस्तों। उसके बाद में दूसरा फ़ायदा ये होगा दोस्तों आपको, जैसे कि हमारे ह्यूमन बींग में बोला जाता है कि अगर आप सूरज की धूप लोगे है ना, तो आपको विटामिन डी मिलेगा, जो आपके स्किन के लिए भी अच्छा होता है और आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो जो चीज़ माने कि विटामिन डी जो सूरज से मिलते हैं, वो अगर एक आदमी को पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे सकती है, उसको एक अच्छा फीडबैक दे सकती है, तो उसका असर मुर्गियों पर भी होता है। जी हाँ दोस्तों, मुर्गियाँ अगर धूप में निकलेगी उसको विटामिन डी मिलेगा तो उसका जो कलर शाइनिंग होता है दोस्तों काफ़ी उभर के आता है, कलर वेरिएशन में जो झलक होती है वो आपको उभरी हुई दिखाई देगी। जैसे कि आप मेरी मुर्गियाँ देख पा रहे होंगे दोस्तों, देखिए मुर्गा वगैरह देखिए, मैं झूम करता हूँ, ठीक है। तो कितना अच्छा कलर शाइनिंग उन पर मेंटेन हुआ है। अभी आप यहाँ पर पूछोगे दोस्तों कि आपकी मुर्गियाँ कैनिबलिज्म का शिकार नहीं होगी, ऐसा आपने बोला फ्री रेंज सिस्टम में वीडियो में, तो आपकी मुर्गियों की पूछ जाके। दोस्तों मैं एक बार बता दूँ, हमने ये रेडीमेड अंडों पर की मुर्गियाँ वेस्ट बंगाल से लेकर आई थी, तभी इनकी पूछ जाकर थी। अगर मेरे पास ये बचपन से मुर्गियाँ रहती थी तो मैं इनकी पूछ नहीं जाने देता था। तो और सबसे मेन दोस्तों, आप सभी को पता है मतलब स्ट्रेस फ्री रहने के लिए आपको जो भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो चीज़ें आपको मिलती है तो आपकी हेल्थ उस हिसाब से काफ़ी अच्छी होती है। यही बात लागू होती है मुर्गियों के हेल्थ पर भी, है ना। तो बाहर का फ्री रेंज का एरिया भले उनको उस एरिया से भले खाने के लिए कुछ भी ना मिले, लेकिन इसके अलावा भी ऐसे अनेकों फ़ायदे होते फीड की कॉस्ट कम करने के अलावा, बाहर से फीड खाने के अलावा ऐसे बहुत सारे फ़ायदे होते जो मैंने आज का इस वीडियो में आपको समझा कर बताए, है ना। तो इसीलिए अगर आपके मन में ये डाउट रहता होगा कि बाहर तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मुर्गियों को बाहर छोड़कर क्या करें, है ना, तो ये इस डाउट या फिर इस गलतफहमी में बिल्कुल भी नहीं रहिएगा। फीड कॉस्टिंग कम करने के या फिर बाहर से फीड खाने के अलावा भी बहुत सारे फ़ायदे हमारी मुर्गियों को होते हैं। तो आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो, आज के इस वीडियो में दी गई जानकारी नए पोल्ट्री फार्मर्स भाइयों के लिए काफ़ी लाभदायक हुई होगी। तो हमारे ही पोल्ट्री वाला यूट्यूब चैनल पर पोल्ट्री का एक इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो लेकर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।